चाचा के हाथ में पिलो है तो चाचा को अपन ढेर देंगे। क्या करे साला, बाहर गया तो कोरोना परेशान करता है, घर आओ। ये देखो दोस्तों, गांव में तो पूरा लॉकडाउन चल रहा है जैसे आप देख सकते हैं। अरे मैं आया हूँ अभी शॉप पे, जो रिनोवेशन चल रहा है। देखो आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि फॉर्माइका लगाना चालू है। अब ये चाचा नहीं दादा है, बाद में पता चला। पे वर्क कर रहे, कॉम्बिनेशन इसमें येलो भी है, ग्रीन वाइट येलो, बढ़िया तरीके से एकदम। हाय गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग विद दिस इज योर ओम जादव। तो दोस्तों आज मैं दुकान पे आया हूँ, जो दुकान का रिनोवेशन चालू है आप सबको पता है। तो ये चश्मे का थोड़ा मैटर हो गया, वो घर पे जाके बताता आराम से। तो अपन आ गए फिलहाल, देख सकते हैं मेरे पीछे। चलो रिटर्न, रिवर्स। दुकान का रिनोवेशन चालू है। अब ये देखो 360 एंगल, ये दोस्तों यहाँ पे फॉर्माइका को मैं जो खिले लगाए थे वो निकालना चालू है। उसको सपोर्ट के लिए लगाते ना खिले, तो निकालना चालू है। कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा दिख रहा है एकदम, ग्रीन व्हाइट येलो। बारीक नजर से देख रहे भाई, आज की सिचुएशन में ये और ये जरूरी है, सैनिटाइजर करते रहो, मास्क पहना रहो। गाँव में लोग अच्छा प्रतिसाद दे रहे लॉकडाउन को, बहुत सही तरीके से निभा रहे। अपना शॉप कृषि केंद्र है, मतलब किसान लोगों का मेडिसिन का दुकान, इसलिए चालू है। ये देखो दर्शन कृषि केंद्र, शॉप के बाहर स्ट्रीट डॉग्स सो रहे हैं। देखो यहाँ पे भी फेविकॉल स्प्रे, अब ये फॉर्माइका का चिपकाने वाले भैया, बढ़िया। फिलहाल तो अब चलते हैं घर पे। फिलहाल हम तो अब घर पे आ गए और वाटरमेलन खा रहे। अजून जरा अपनी ग्रैंड मदर भी माही की फैन है। देखो माइकल पिक्चर दे रहे, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी वो पिक्चर देख रही। तो गाइस हमने स्पेक्टेकल का जो सीन हुआ था, एक मिनट गाइस, जो अरे यार, तो भाइयों ये जो चश्मा टूटा है ना, तो उसका रीजन भाई ये तो भाई ने तो सीधा कान पट्टी में मारी, इसलिए ये देखो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ से ब्रेक होगा। तो मतलब नहीं तो अपने कल परसों भी व्लॉग आ जाते, ये चश्मा टूट गया इसलिए से व्लॉग नहीं किया था मैंने। तो विषय क्या हो गया, विषय आप जान दो, विषय कुछ बताता नहीं मैं। विषय एकदम छोटी सी बात है, एकदम छोटी सी बात, इतना बता सकता हम मतलब भाई तो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, हमेशा छोटे भी जो हम छोटे तो छोटे भाई पे क्यों डाउट करते हैं सब,
तो मार भी खा ली, हमने तो मार भी खा लिया। हमारे का 1,000 रुपये के तो ये फ्रेम है, 1,000 रुपये का नुकसान भी होगा। और तो भैया तो बड़े ना, भाई को तो मार नहीं सकते अपन क्योंकि वो बड़े, आपसे तो मार नहीं सकते, हमेशा छोटे के शांत बैठना पड़ता। अपना अपने से गलती हो या ना हो, अपने को हमेशा शांत बैठना पड़ता, मार भी खा लेनी पड़ती और सब कुछ चीज़ें मैनेज कर लेना पड़ता है। छोटे होने का बहुत मतलब बहुत गलत फायदा उठाते हैं भाई बड़े भाई लोग। नहीं हो गए सीधा, छोटा भाई बड़ा भाई। और एक चीज़ भाइयों, अभी टाइम हो गए 5 बजे शाम के, और चाचा बोले रात को कुछ गेम गेम करते तो उसका भी गेम किसका करेंगे, गेम नहीं करते गेम खेलते करते तो उसका भी वीडियो शूट कर लेना। तो देखेंगे अपन रात को क्या प्लान होता है, तो देखते रहो कंटिन्यू। तो आज के ब्लॉग में खेल रहे चाचा के साथ में। तो गाइस अभी फिलहाल चल रहा है फुटबॉल खेल रहे चाचा और ये मेरी दो सिस्टर। झाड़ा तुट्टी ना बेटा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30, आपको 5 बजे लास्ट में मिला था मैं आपको, तो अब 9:30 बजे तो बताया था ना चाचा के साथ गेम खेलना है, तो चाचा ने बोला चैलेंज रखा है। चाचा काका कौन था, कैसा गेम है सांगा एकदम। मैं जैसा करूंगा इन सभी को करना है, वैसा एक्टिंग करनी होगी, जो मेरे जैसा करेंगे उनको 50-50 रुपये मिलेगा। बहुत ही मजा आने वाला है, आप देखो सिर्फ। मैं सब रिंगन करके बैठ गए ऑल्सो विथ मी एंड चाचा जैसे एक्टिंग करेंगे वैसे सबको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इतने खिलाड़ी है, तो गेम स्टार्ट करते भाई। अब ये सारी का बताएंगी नहीं, लाजना नहीं पड़त। बता कौन सा गेम खेलना है। पासिंग द पिलो। पासिंग द पिलो। तो गाइस अब गेम खेलने वाले पासिंग द पिलो, ठीक है। कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, तो तुम भी ऐसा हो तो क्या हो। मिस्टर के हाथ में आया पिलो, तो इसको काका डेर दे रही। हाँ काका सद्या तिल सांगा काय तरी करा। मैं मेमिक्री कर तो आपण सिरेंडर तो माणूस कसा चालतो। हां हां चाचा के हाथ में पिलो है, तो चाचा को अपन ढेर देंगे। डायलॉग सांगा तो तुम्हें मतलब होता। हाँ ठीक है।
क्या करे साला, बाहर गया तो कोरोना परेशान करता है, घर आओ तो बीबी परेशान करती है, साली भी नहीं साली। अच्छा अभी मारी का डायलॉग बोलने वाले आप का, आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की पर तो पिलो आया है चाची के हाथ में, इसलिए चाची उखाना हमारे मराठी में उखाना लेते तो क्या काको? चहा झाला घट्ट, कॉफी झाली नितळ, सुभाषरावांनी सोनं घेतलं ते निवळ पितळ। तुम्हारा भाई हार गया, यस। बाइको क्या बोलने का? तो सबसे पहले चाचा ने जो डायलॉग बोलने के लिए बोला है वो ऐसा है कि 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे, लेकिन मेरे को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कुछ भी कुछ भी। तो गाइस अभी डांस करना है। तो गाइस फुल एंजॉय हुआ है अभी आपने देखा वैसे, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे, इंटरटेनिंग व्लॉग्स आते रहेंगे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होंगी तो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लव फ्रॉम महाराष्ट्र, लव फ्रॉम बुलढाणा।